Hello students, today's topic is shaded pole type induction relays. Last time हमने induction relay study करा था, ये उसका एक type है, that is shaded pole type induction relay. So this is the diagram of a shaded pole type induction relay. Here it consists an aluminium disc which is free to rotate in air gap of an electromagnet. Okay, the part of pole face of each pole is shaded with the help of copper blend or ring. This ring is known as shading ring. The total flux phi is produced due to alternating current splits into two fluxes displaced in time and space due to the shading ring. Due to these alternating flux, EMF gets induced in the shading ring. This EMF drives the currents causing the flux to adjust in shaded portion. The flux lags behind the flux in the unshaded portion by an angle alpha. तो basically क्या होता है, ये एक aluminium disc को carry करता है, okay, which is free to rotate in the air gap of an electromagnet. This is a electromagnet. ये disc free रहती है इसके बीच में move करने के लिए. इसका एक part shaded रहता है, ये वाला shaded, और एक part इधर वाला that is unshaded. तो जब आपका alternating जो आपकी करंट है वो स्प्लिट होती है तो वो दो फ्लक्स स्प्लिट करती है इन टाइम एंड स्पेस. वन इज नोन एज शेडेड फ्लक्स एंड अदर इज नोन एज अनशेडेड फ्लक्स. ड्यू टू दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इन द शेडिंग रिंग. दिस ईएमएफ ड्राइव्स द करंट कॉजिंग द फ्लक्स टू एग्जिट इन शेडेड पोर्शन. तो बेसिकली आपके दो फ्लक्स क्रिएट होते हैं, फाइ एस फाइ यू साइन एल्फा. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है दैट इज ऑफ फेज डिफरेंस ऑफ एल्फा, यानी कि फाइ एस लैग कर रहा है एल्फा से. तो फाइ एस इज नोन एज शेडेड एंड फाइ यू इज नोन अनशेडेड फ्लक्स. सो द अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाइ एस इन द शेडेड पोर्शन ऑफ द पोल्स विल ओइंग टू द रिएक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस इन द रिंग lags behind the phi u unshaded in the unshaded portion by an angle of alpha. These two AC fluxes differing in phase will produce the necessary torque to rotate the disc. तो दो fluxes आपके produce हुए, इन दो fluxes के interaction से आप एक torque create करा, torque create हुआ which will produce the necessary torque to rotate the disc. Disc को rotate करने के लिए torque produce हुआ that is directly proportional to phi s phi u sin alpha. ओके, अब आप ये एज्यूम कर लें अगर कि जो आपके फ्लक्सेस हैं फाइव एस और फाइव यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट. फाइव एस एंड फाइव यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट आई. तो आप लिख सकते हो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर साइन एल्फा. तो बेसिकली इन शेडेड पोल टाइप इंडक्शन रिले जो दो फ्लक्सेस के इंट्रैक्शन से टॉर्क क्रिएट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. और जो दो टॉर्क आपके फ्लक्स आपके क्रिएट हुए हैं फाइ एस और फाइ यू उनके बीच में जो डिफरेंस होता है जो लैग है वो है अल्फा का, जो फेज डिफरेंस है वो है अल्फा का. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस रिले के लिए ध्यान रखने हैं. थैंक यू.